सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करने वाले मासूमों के जीवन को दिशा देने के लिए उत्तराखंड पुलिस आगे आई है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रदेश भर में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसके तहत भिक्षावृत्ति में फंसे बच्चों को नजदीकी स्कूलों में पढ़ाई के लिए उनका दाखिला भी करवाया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड पुलिस लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर रही है कि लोग बच्चों को भीख न दें बल्कि उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करें। पहले मैं भीख मांगती थी, फिर सर ने मुझे पकड़ के पुलिस भर्ती में डाला था, फिर नाम लिखवाया था, फिर वहाँ से मुझे अच्छा लगने गया था, फिर मैं रोज पढ़ती थी स्कूल, फिर स्कूल पढ़ते पढ़ते मेरा मन लग गया था, मन कर रहा था हॉस्टल जाने का, पर हॉस्टल नहीं जा पाई थी, फिर वाले स्कूल में पढ़ लेके मैं डॉक्टर बनना चाहती। ये ऑपरेशन मुक्ति है जो कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा आयोजित किया गया है। हम लोग जगह जगह जाके हरिद्वार के काफी सारे जो स्लम एरियाज हैं और जहाँ पे हम लोग गरीब बच्चे बहुत सारे जो बच्चे भीख मांगते हैं वो मिलते हैं, हम उन्हें वहीं पे जाके एक्ट कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक और सॉन्ग के थ्रू। हम उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग भीख मत मांगिए, शिक्षा दीजिए, भिक्षा बंद करिए, और उनके पेरेंट्स को हम जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जो है उन लोगों को भीख मंगवाने की जगह अपने पढ़ाना शुरू करिए। हरिद्वार में पिछले 2 माह से चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति कार्यक्रम का समापन समारोह किया गया, जिसमें डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार भी पहुंचे। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बताया कि हरिद्वार में 200 से अधिक बच्चों को भिक्षावृत्ति से छुटकारा दिलवाकर उन्हें स्कूल में भेजा गया है और आगे भी इसी तरह से अभियान जारी रहेगा। उत्तराखंड पुलिस का अभियान है ऑपरेशन मुक्ति, जिसमें बच्चों को भिक्षा से मुक्ति दिलाने का हमारा लक्ष्य है, और इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा दें, जिससे उनका भविष्य बने। भिक्षा देने से वो इसके प्रति और ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो इसलिए ये अभियान है। आज इन्होंने 2 महीने का चलाया था यहाँ पे ड्राइव हरिद्वार में, और बहुत अच्छे सफलतापूर्वक SSP हरिद्वार के निर्देशन में हुआ है। आज उसका समापन है, इसको हम पूरी उत्तराखंड पुलिस में लगाएंगे। ये बहुत एनर्जी वाला काम है, इतना आसान नहीं है, इसको लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहना पड़ेगा। हमारा प्रयास है कि इसको आगे भी सफलतापूर्वक चलाएं और बच्चों को भिक्षा से मुक्ति दिलवाएं। क्रम में कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ आम लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। स्कूली छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया, जो एक सचमुच सराहनीय कदम है। APTV भारत के लिए नरेश तोमर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।